थोड़ा रफ है, हमारा मुंह पे टाटा नमक आ गया। कैसा लग रहा है डेल्सन? बहुत टेस्टी। अरे एक तो केरल में है और एक यार। अरे बाप, अब थोड़ा सोच रहे हैं कि लाइफ जैकेट पहन ले यार, इतने भी अच्छे तैरना नहीं आता। हाँ भैया, सो हम अपने रिजॉर्ट फीफी के रिजॉर्ट में हैं और ऐसी नींद आ रही है यहाँ पे यार, भयंकर ही। सब ऐसे आके पड़ जाते, कुछ कर ही नहीं रहे, भयंकर चिल वाला माहौल। सो अगर कोई आ रहा है तो ये लंबे टाइम के लिए आना भैया, यहाँ पे फीफी वीफी या फुकेट में बहुत नींद आती है और बहुत मज़ा आता सोने में। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं आइलैंड हॉपिंग के लिए, 3-4 आइलैंड हम लोग कवर करेंगे। हम एक दो तीन टाइप के मतलब आते हैं इसमें ऑफर्स, उसमें एक में पूरा दिन का रहता है, जैसे 7-8 आइलैंड दिखाते हैं, एक में 5-6 दिखाते हैं। हम छोटा वाली कर रहे हैं, हम इतने सारे नहीं देखने। और जो मेन आइलैंड था माया बे, वो बंद है। सो दैट्स अ ह्यूज बमर, बट ठीक है, अब क्या करें। सो अभी नहा लिए हैं, मम्मी बहुत खुश होगी मेरी, क्योंकि मैं 2-3 बार नहा रहा हूँ एक दिन में, इतनी गर्मी है यहाँ पर और रिलैक्सिंग लगता है। और ये हमारा रूम है मेरा और डेल्सन का, यहाँ पर रुके हम और हमने उसको एक अलग से पूरा रूम दिया, बट काफ़ी सुंदर सा रिजॉर्ट है ये और अच्छा है, मतलब मेन एरिया में ही है और सस्ता भी है। क्या नाम है होटल का? फीफी बानियन कुछ करके कुछ है रिजॉर्ट। तो चलो अब मिलते हैं, अभी जाके हम बात करते हैं ट्रैवलर और जो भी बोट वालों से, कितने पैसे हैं और कम करवाते हैं। बस इतना ही आलस हमको भी आ रहा है यार, बिल्लियाँ भी यहाँ पे एकदम चील है, चील है, बिल्लियाँ चील है यहाँ पर, चील साइलेंट पर बहुत बिल्लियाँ। सो कैट लवर्स डेफिनेटली काम किया। ये हमारे रिजॉर्ट से बाहर का व्यू है, देख लो एकदम कहोना प्यारे वाले फीलिंग नहीं आ रही, कहोना प्यारे में जब वो आइलैंड में फंस जाते थे। सो ऐसी टाइप की बोट मिलेगी आपको, एक ऑप्शन है ये स्पीड बोट और एक ये लॉन्ग टेल वाली। सो अपन तो लॉन्ग टेल लेंगे यार, ये मतलब ये तो कमर्शियल टाइप लग रही है, ये थोड़ी मस्त एकदम सुंदर टाइप। तो इसमें अपन प्राइवेट बोट लेंगे अपनी सिर्फ, नहीं तो एक और ऑप्शन है आपको, अगर कम पैसे लगाने और कम लोगों आप, सो सबके साथ जाके कर लो, तो उसका रेट अभी देखते हैं। और प्राइवेट लेना है तो एक प्राइवेट अपनी पूरी रहेगी, सो हम तो वे वाली लेंगे और देखते हैं यार। मौसम गर्मी है बट यहाँ पे आके थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। ये है हमारा रिजॉर्ट, काफ़ी सही है, बढ़िया है वैसे, सस्ता और सुंदर। हमको मात्र 5,000 से हमने करा, क्या पता रेट्स चेंज होते होंगे। तो अभी तो हमको अगोड़ा करके जो है ना वेबसाइट, उससे हमने किया, 5,000 में 2 रूम्स मिले फॉर वन डे, सस्ता ही लगा मेरे को। सो अभी हम चल रहे हैं फीफी के स्ट्रीट मार्केट में, यहाँ कोई गाड़ी घोड़े नहीं आ सकते। देखो ये जो है ट्रॉली, बस इसी से आपका सामान और ये सब ले जा सकते हो, बाकी पूरा वॉकिंग है। नो पोल्यूशन, नथिंग, नेचर के गोद में बैठे हो आप। सो अभी हम जा रहे हैं कोई भी ये बोट सर्विस वाले के यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं मेरे को, बुकिंग सेंटर में भी। मौसम काफ़ी गर्म है, भयंकर टैनिंग हो चुकी है, जल चुके हैं ऑलमोस्ट, फोटोज़ वगैरह अच्छी नहीं आ रही है इसलिए मैं डाल भी नहीं रहा हूँ। सो एक डिसअपॉइंटमेंट तो है यहाँ पर, मतलब मेरे साइड से, एक तो क्या मुँह अलग फूल गया है साला, पेट वेट सब बढ़ गया है, तो मज़ा नहीं आ रहा यार फोटो में, बट आपके लिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, देख लो। हमारे नेगोशिएशन के बाद, बहुत बकचोदी करने के बाद डील डन हो गई है, तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। 3 आवर की ट्रिप रहेगी और 4 आइलैंड कवर करेंगे, जिसमें स्नॉकलिंग भी इंक्लूडेड रहेगा। और हमारा तीसरा दोस्त था वो हक दिया, तो अभी हम सिर्फ 2 ही हैं, मैं और डेल्सन है, वो प्राइवेट बोट पे जा रहे हैं। बताओ यार कैसे दिन आ गए, कोई नहीं है जीवन में, दोनों रोमांटिक बोट पे जा रहे हैं। सो इसमें हम 4 बीच कवर करेंगे। और यार क्या सुंदर है भैंस क्या, और ये अबे देख तो सही वो ऊपर। सो इन भैया को कराए, ये हमारा बस काटे ना अच्छे से घुमा दे 3 घंटा। तो 3 घंटा है और हमारा फाइनल प्राइस जो है 1500 में। बट मेरे को यही लग रहा है कि मैं अगर जब स्नोकलिंग में कूदूंगा तो मेरे को ऊपर कौन लाएगा।
ये गिर के मर गया तुम। बहुत स्ट्रगल है। अरे साथ देना था। सो भैया हमारा बोट आइलैंड हॉपिंग स्टार्ट हो गया, काफी सुंदर बेहतरीन, और गर्मी भी नहीं लग रही है और बहुत सही सा लग रहा है। अब चलने दो, सी थोड़ा रफ है हमारा, मुंह पे काटा नमक आ गया। कैसा लग रहा है डेल्सन? बहुत टेस्टी। जगह आनंद आ रहा है कि नहीं आनंद भाई? यार जन्नत है यार, जन्नत हेवन। एक तो केरल में है और एक यार। अरे बाप रे, अब थोड़ा सोच रहे हैं कि लाइफ जैकेट पहन ले यार, तभी अच्छे तैरना नहीं आता। तो ये है सबसे बढ़िया माया पे, इसके अंदर जाने के 400 बात लगते हैं, बट अभी ये बंद है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कुछ कुछ महीने में बंद कर देते, क्योंकि बहुत टूरिस्ट आते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए बंद कर रहा है। तो अभी हम इसके आसपास से निकल रहे हैं, बट वेव काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब बहुत हिल रही बोट। कितना सुंदर है यार ये वाला, ये हिस्सा देखो भाई साहब, अभी हम वाइकिंग्स बीच की तरफ आ गए शायद। एक्चुअली हमको नाम समझ नहीं आ रहे यार, जो बोल रहा है ना उससे समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ का हरा पानी कौन सा कलर है ये? यहाँ पे हम लोग स्नॉकलिंग करेंगे, लाइफ जैकेट मैंने पहन लिया, आप अच्छे से पहनवाएंगे। व्यू देखो आप, सो हम लोग यहाँ पर आ गए, अभी स्नॉकलिंग कर रहे हैं, बहुत गहरा और ये इतना गहरा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी आराम से बिना लाइफ जैकेट के कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और ये है व्यू, मस्त एक्सपीरियंस, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस, देख लो आप व्यू देखो गाइस। थ्री टेक टू, वन टू थ्री, अबे टट्टी। अभी भी हम लोग तो नहा ही रहे यार, हमने क्या करा, बेहतरीन चीज क्या करी हमने,
तो मैं अच्छा तो नहीं दिख रहा हूँगा, बट मैं बोल लेता हूँ कि हमने ना स्नॉकलिंग के लिए वो जो डीप थोड़ा डीप ले जाते हैं वहाँ नहीं गए हम ऐसी जगह जगह है जहाँ पे हम लाइफ जैकेट नहीं पहनना पड़े, तो यहाँ यहाँ तक पानी था गले गले तक, तो उसमें बढ़िया नहाए धोए और बहुत तेरा वेरा। और अभी यहाँ पे आए डेल्सन, यहाँ पे डेल्सन की फ्रेंड है ये वाइकिंग्स केव। यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको सही कर रहे हैं शायद, टूट फूट रहा है। यार घर आया, मैंने नहाया थोड़ा सा, बहुत रिफ्रेशिंग सा लग रहा है। अब निकला हूँ मैं फीफी की नाइट लाइफ देखने, काफ़ी शान सा है यहाँ पे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यार। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो तीन दिन और रुकने चाहिए थे। है यार, सो अभी जस्ट मैंने फुट मसाज और हेड मसाज और शोल्डर बैक शोल्डर और नेक मसाज कराया, 350 बात का था। फिर अपन ने वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैंने उसको टिप दे दिया, टोटल 400 का पड़ा, बट बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग, तो बहुत ही इतना रिलैक्स फील हो रहा है, पैर वगैरह सब उसने सारे नॉट्स खोल दिए, ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो वुड रिकमेंड फुट मसाज ज़रूर कराना, और थोड़ा और टाइम है तो 1 घंटे का होता है पूरा फुट मसाज, हेड मसाज, शोल्डर सब करा उसने बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आया, आप लोग भी कराना। अब गुजरे कार्लिटोस बार में, थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, और यहाँ पे अभी फायरवर्क्स होने वाले, बट माहौल देखो बहुत बढ़िया माहौल। फायरवर्क्स फायर शो चालू हो गया, ये स्टार्ट ही हो रहा है, और ऐसे सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे बीच साइड का व्यू है। ब्रेकफास्ट करने आए हम लोग, और ये देखो व्यू, ब्रेकफास्ट भी तो व्यू हो जाएगा आज तो बेहतरीन सा। मौसम सुबह बहुत बारिश हुई है, तो अभी मौसम काफ़ी मस्त है, ठंडा ठंडा। हाँ भैया, फीफी से भी हमने चेकआउट कर लिया है, अब बैठे हैं हम अपने फेरी के लिए, 2 घंटे बाद है, तो थोड़ा चाय पी रहे, कोल्ड चाय, थाई टी, बढ़िया है अभी द व्यू। फीफी काफ़ी रिलैक्सिंग था, चिल था। अब एक दिन और बचा है, जा रहे हैं हम फुकेट, अभी खत्म दिन आधा तो ख़त्म ही हो गया, और फिर परसों तो अपनी फ्लाइट है बैक टू इंडिया। ये नारियल पानी ज़रूर पीना फीफी आके भैया, यहाँ का पानी बहुत, एक तो बहुत सारा पानी है, ऊपर से बहुत मीठा पानी है, और पानी है सबसे बड़ी बात, अंदर भी देखो पानी और मलाई देखो भर भर के, बहुत ज़ोरदार। फीफी में एंकर रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट सॉरी, उसका व्यू देखो यार आप, इतना तगड़ा व्यू है, दो पहाड़ के बीच में से पानी आ रहा है, और उस साइड जाओगे तो अगर आप यहाँ पे ना कायकिंग वगैरह भी होती है, हम
तुमको पता नहीं था लेट हो गए हम, तो 100 भात की 1 घंटा बढ़िया। इतना ज़्यादा डीप भी नहीं वहाँ तक पानी जा सकते।